स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खबरों की ओर। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, कोरोना से लगातार राहत भरी खबरें आ रही है। आज 571 ही केस आए हैं, ठीक होकर 1780 लोग हैं। अब एक्टिव केस 8731 बचे हैं, आज सिर्फ 8000 रह गए हैं। संक्रमण दर 7.6% संक्रमण दर है, रिकवरी दर 97.8% है। टेस्ट भी लगातार जारी रहेगी, तीसरी लहर की खबर आती है जिससे टेस्ट होता रहेगा। नेतृत्व परिवर्तन की खबर पर बयान, व्हाट्सएप ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका वाइस चांसलर बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। जो भी खबरें वायरल हो रही है वो फर्जी है, शिवराज सीएम है और रहेंगे, अफवाह पर ध्यान ना दें। गृह मंत्री के नेतृत्व में 30 विधायकों के बागी होने की खबर हो रही थी वायरल, विस अध्यक्ष की मुलाकात पर बयान, पुरानी परंपरा है समितियों के चुनाव होते हैं उसके बाद उसकी बैठकें भी होती है, इसके लिए विस अध्यक्ष मिलने के लिए आए थे। कमलनाथ पर पलटवार, कमलनाथ एक भी खरीदी केंद्र नहीं गए और बात किसानों की करते हैं, किसानों को धोखा दिया, आवाम को धोखा दिया। पुलिस जवानों को वैक्सीन लगाने पर बयान, अधिकांश जवानों का वैक्सीनेशन हो गया है, आज निर्देश जारी होगा, अगर किसी जवान ने वैक्सीन नहीं लगवाई जो उसको फील्ड में नहीं जाने दिया जाएगा। कोरोना से लगातार राहत भरी खबरें आ रही हैं, काफी संतोष है कि आज कुल 571 ही पूरे मध्य प्रदेश में केस आए, 571, और जो ठीक होकर अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर गए हैं वो 1780 लोग हैं। मध्य प्रदेश के अंदर एक्टिव केसों की संख्या अब कुल 8860 बची है। मैं यहाँ यह कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि एक वो दौर भी हमने देखा है एक माह के अंदर जब हम 1,00,000 की सीमा को टच कर रहे थे, आज कुल 8000 ही रह गए। अगर हम संक्रमण दर देखें आज की तो हम 1% भी नहीं है, वो 1% से भी नीचे आ गए हैं। 7.6% संक्रमण दर आज मध्य प्रदेश की है। वहीं इसके विपरीत अगर हम रिकवरी दर देखें, ठीक होने वालों की संख्या देखें तो वो 97.8 आज हमारी रिकवरी रेट है। ये सब तब है जब हम 75,000 टेस्ट आज भी लगातार रोज कर रहे हैं। ये टेस्ट लगातार हमारे जारी भी रहेंगे। जैसा आप लोगों के हलकों से सूचना आती है तीसरी लहर की, इसकी पुनः जंप न ले जाए अनलॉक की स्थिति में, तो ये टेस्ट लगातार जारी रहेंगे। कहीं भी अगर जंपिंग होती है, वैसे तो लगता नहीं कि होगी, तो तत्काल पकड़ में आए और हम उसे क्वारंटाइन कर सकें। भोपाल में जूड़ा जूनियर डॉक्टरों ने की हड़ताल खत्म, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद लिया फैसला, मांगों को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। जूड़ा डॉक्टरों का कहना है कि सरकार द्वारा हमारी सभी मांगों को मान लिया गया है, सरकार द्वारा लिखित आदेश के बाद अपने काम पर लौटेंगे जूड़ा के जूनियर डॉक्टर। इसी के साथ मैं गरिमा आपसे लेती हूँ विदा, बाकी सारी खबरों के लिए बने रहिए दस्तक लाइव के साथ, नमस्कार। संकल्प, कोरोना से बचाव के लिए सभी प्रकार की सावधानियों का पालन करेंगे, जैसे मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, पहले 45 प्लस और अब 18 प्लस की बारी है, वैक्सीन लगवाने की हम सब की जिम्मेदारी है। नगरपालिका परिषद सारंगपुर, मध्य प्रदेश।